हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 11th एडमिशन प्रोसेस के अंदर कैप राउंड स्पेशल राउंड 2। स्पेशल राउंड 2 का शेड्यूल कंप्लीट, कब आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो और इसकी मेरिट लिस्ट कब आएंगे और इसकी वैकेंसी कैसे आप चेक कर सकते हो। साथ में मैं आपको स्टूडेंट ये भी बताने वाला हूँ कि इसकी वैकेंसी कब आने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है स्टूडेंट। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, टाइम बहुत ही कम है आपके पास, सिर्फ 2 डेज का टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो 2 दिन के अंदर ही आपके एडमिशन के पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, मतलब फॉर्म एडिट करने का। तो हो सकता है इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी राउंड ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। स्पेशल राउंड 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इस राउंड को कम्प्लीट होने में 18-19 अगस्त हो जाएगा। और यदि इसके बाद स्पेशल राउंड 3 आता है तो समझ जाओ कि अगस्त भी कम्प्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो गए स्टूडेंट, और कुछ कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुए तो वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मोस्टली ट्राई करना है स्टूडेंट कि इसके अंदर आपकी जो स्ट्रेटेजी रहे, कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। और मान लो स्टूडेंट आपके परसेंटेज कम है, कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा है, आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए और नियर बाई अंधेरी बिले पार्ले, तो आप लोग मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा, आप लोग मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो, अनएडेड में चाहिए तो। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कि इसके क्या पूरा शेड्यूल है, कब से कब तक आपको कॉलेज यहाँ पर फॉर्म को एडिट कर सकते हो। स्टूडेंट यदि आपको, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, यदि आप कॉमर्स के लिए उसके अंदर एडमिशन चाहिए तो आप लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ये नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर सीट अवेलेबल है आप लोग को डायरेक्टली एडमिशन में दे दूंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इस पर कैप राउंड 2 है, स्पेशल राउंड 2 है, इसके शेड्यूल जो है मुंबई, पुणे, नागपुर जितने भी डिवीजन है सबके लिए सेम है। इसमें डेट दिया गया 9 से लेके 10, जिसके अंदर आपको फॉर्म एडिट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल 9 बजे तक, 9 AM तक कितनी सीट वेकेंट है। वेकेंट सीट कल शो होगी, मॉर्निंग में शो होगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है, क्योंकि मोस्टली कॉलेज की जो अच्छे कॉलेज रहेंगे उनके सीट फुल हो गई रहेगी और कुछ सीट ही बचा रहेगा। तो आपको वहां पे चेक कर लेना कि उस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है। यदि वहां पे 20 सीट बची हुई है, यहाँ पर यदि 50 लोग अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अलॉटमेंट सिर्फ 20 लोग को ही मिलेगा। हो सकता है इससे भी कम, 12-15 लोग को ही मिले। तो इस बार आपकी स्ट्रेटेजी बहुत प्रॉपर होना चाहिए। आपके कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेजेस च्वाइस करने हैं, और साथ में आपको वेकेंट सीट चेक कर लेना। कैसे वेबसाइट पर चेक करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ। तो आप लोग जाके ले एडमिशन के जो पोर्टल, उसमें जो वैकेंट सीट रहेगा उसका एक्सेल आप डाउनलोड कर लेना, और उसके अंदर जो प्योर ओपन कैटेगरी का रहेगा उसके जितनी सीट अवेलेबल रहेगी एक बार चेक करके ही फॉर्म को फिलअप करना और कॉलेज सेलेक्ट करना है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक डेट दिया गया हम लोग को 9/8/2024 से लेकर 10/8/2024 टिल 6 PM, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि 2 दिन का टाइम है। इसमें आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेफरेंस फॉर द एडमिशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस, एप्लीकेशन पार्ट 2 फॉर्म स्पेशल राउंड 2, इसमें आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, कॉलेज की प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो, नए कॉलेज आप ऐड भी कर सकते हो। स्टूडेंट विल बी अलॉटेड मिनिमम ऑफ द 10 प्रेफरेंस कोर्सेज, मतलब 10 कॉलेज से कोई भी एक कॉलेज आपको अलॉट होगा, जहां पर फ्रेशर कैन रजिस्टर ऑनलाइन फिल द एप्लीकेशन पार्ट 1 एंड वेरीफाई। इसमें कोई फ्रेशर जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिलअप भी नहीं किया है तो ये लोग भी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग आगे यहाँ पर दिया है, स्टूडेंट विल बी करेक्ट देयर एप्लीकेशन इन पार्ट 1, स्टूडेंट शुड बी लॉग देयर एप्लीकेशन, ठीक है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉग भी कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर ओनली पार्ट 1 वेरीफाई स्टूडेंट जो रहेंगे वो पार्ट 2 फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और ओनली प्रेफरेंस पार्ट 2 लॉक एप्लीकेशन विल बी कंसीडर अलॉटमेंट। और जिनके एप्लीकेशन फॉर्म लॉक रहेंगे उनको ही कॉलेज अलॉट होगा। और स्टूडेंट लगता है कि आपको एडमिशन डायरेक्ट चाहिए तो आप लोग जो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको अपने कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा। यदि आपको चाहिए तो चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉलेज का नाम डिटेल ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझसे। आगे यहाँ पे लिखा है कंसेंट इन द बाइंडिंग क्या रहेगा, प्रायर टू दिस राउंड ऑल द प्रेफरेंस एप्लीकेशन पार्ट 2 अनलॉक द कॉलेजेस, इट इज द मैंडेटरी फॉर द
स्टूडेंट टू वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड टू रीलॉग देयर प्रेफरेंस एप्लीकेशन ऑफ द कोर्स एवरी स्टूडेंट हैज गिवन द ऑनलाइन कंसर्न। मतलब आपको स्पेशल राउंड के अंदर तभी कंसिडर किया जाएगा जब आप अपने फॉर्म को लॉग इन करके फॉर्म को लॉक करोगे। यदि आपके फॉर्म लॉक नहीं रहेंगे तो फिर आपके फॉर्म यदि लॉक नहीं है स्टूडेंट तो फिर आपको यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसको फॉर्म को लॉक करके जरूर रखना है। दूसरा, यहां पर फॉर एवरी सब्सिक्वेंट राउंड फॉर्म सेट टू बी एडमिशन राउंड स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू बी लॉक। हर एक राउंड में आपको फॉर्म लॉक करना पड़ता है स्पेशल राउंड के अंदर, यही लिखा गया है। और यहाँ पर 11 टू 12th में क्या होगा, डेटा प्रोसेसिंग का टाइम, इस समय कॉलेज अपने डेटा क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। और 13 को आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट कहाँ पे आएगा, स्टूडेंट के जो लॉगिन रहेगा स्टूडेंट अपने लॉगिन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उनको मैसेज भी आ जाएगा और कॉलेज में भी पता चल जाएगा। तो आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा स्टूडेंट कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ है, ये भी आपको पता चल जाएगा स्पेशल राउंड 2 में। डिस्प्ले द जूनियर कॉलेज सिलेक्शन डिटेल ऑन द पोर्टल फॉर द एडमिशन स्टूडेंट। इन दी स्टूडेंट लॉगिन शो द हायर सेकेंडरी स्कूल गॉट द एडमिशन, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। लिस्ट स्टूडेंट गेट द एडमिशन रिस्पेक्टिव कॉलेज के लॉगिन में भी मिल जाएगा। तो आपको यहां पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ है। एक बार कॉलेज अलॉट हो गया तो तुरंत ही जिस दिन कॉलेज अलॉट होगा उसी दिन से एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये भी ज्यादा दिन नहीं है, 13, 14, 15, 16 मतलब 4 दिन का आपको टाइम मिलेगा एडमिशन को फाइनलाइज करने का। कॉलेज में जाके एडमिशन लेना, एडमिशन लेने के लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म को आपको ले लेना है साथ में। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म के अलावा आपको क्या रहना चाहिए आपके पास, आपका डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, जेरोक्स कॉपी आपके मार्कशीट का रहना चाहिए, ओरिजिनल LC रहना चाहिए, 2 फोटो रहना चाहिए। ये चीजें लेकर आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। साथ में आधार कार्ड भी लगेगा स्टूडेंट। इतना डॉक्यूमेंट्स लेके आपको क्या करना है, कॉलेज में जाना है जिससे आपको एडमिशन में पता चल जाएगा। यहाँ पर आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर एडमिशन के बारे में वही दिया गया कि एडमिशन आपको स्टूडेंट को अपने लॉगिन से कंफर्म करना रहेगा, आपको कंसर्न देना रहेगा प्रोसीड फॉर एडमिशन पे कंफर्म। उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है, अपलोड करना जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको यहाँ पे एडमिशन कर लेना है। यदि स्टूडेंट को एडमिशन अलॉटेड स्कूल में एडमिशन नहीं चाहिए या चाहिए, इफ द स्टूडेंट वांट टू गेट द एडमिशन इन द अलॉटेड स्कूल स्टूडेंट विल बी क्लिक द लॉगिन एंड प्रोसीड फॉर एडमिशन पे आपको क्लिक कर देना है। अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन गोइंग टू अलॉटेड स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सच स्टूडेंट विल नॉट बी डिवर फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रोसेस। यदि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ और यदि स्पेशल राउंड 3 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यदि, लेकिन यहाँ पर स्पेशल राउंड 3 होना चाहिए स्टूडेंट। होगा तो आपको फिर भी आपको सेम कॉलेज में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, दूसरे कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर वापस से 16 को इवनिंग तक कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उनके पास कितनी सीट अवेलेबल है वो इन्फॉर्म कर दे, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा कि कितना सीट अवेलेबल है जिससे स्टूडेंट नेक्स्ट राउंड के लिए क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर स्पेशल राउंड 2 का इंटर कोटा एडमिशन का भी डिटेल है। यदि यहाँ पर भी किसी को इंटर कोटा के एडमिशन में दिए एडमिशन लेना है तो वो भी उसके भी शेड्यूल मोस्टली सेम ही मुझे दिख रहे हैं। और बाय फोकल सब्जेक्ट का भी डिटेल यहाँ पर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो स्टूडेंट। ये जो यहाँ पर PDF है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।